हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक गहलोत ने उदयपुर प्रवास के दौरान शुक्रवार को राजस्थान चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उठे विवाद के बीच इशारों ही इशारों में कई संकेत दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जब जनता के सामने 10 वर्षों से एक चेहरा है, फिर किसी चेहरे का जिक्र करने का क्या तुक है। उन्होंने अपना नाम लिए बगैर कह दिया है कि जनता सब जानती है, केवल मीडिया में खबरों को घुमा फिरा कर दिखाने के चक्कर में बखेड़े खड़े हो रहे हैं। पत्रकारों की ओर से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री लालचंद कटारिया के मुख्यमंत्री के चेहरे के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में अशोक गहलोत ने इशारों में अपनी बात कहकर कई संकेत भी दे दिए हैं। गहलोत से जब मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सीपी जोशी के नाम की दावेदारी का जिक्र किया गया तो गहलोत बोले कि मुख्यमंत्री के चेहरे के बारे में कोई भी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व हाईकमान करेगा, वैसे सभी को जिम्मेदारी मिलती है। अशोक गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी कहती है कि सबको सब्र रखना चाहिए, सबका नंबर आता है। सीपी की ही बात नहीं, कोई भी हो सबके लिए यह बात है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों के सवालों के बीच जोधपुर में दिए अपने बयान का हवाला देते हुए कहा कि मैं जोधपुर में पहले ही कह चुका हूँ कि मैं थासू दूर नहीं, पार्टी के आदेश पर मैं कहीं भी चला जाऊं लेकिन राजस्थान की सेवा करता रहूंगा, अंतिम सांस तक मैं राजस्थान की सेवा में लगा रहूंगा। बार बार मेरे बारे में अफवाहें उड़ाई जाती हैं, पार्टी के काम से मैं गुजरात गया, पंजाब गया, कर्नाटक भी गया, आजकल दिल्ली में हूँ। लोग बातें करने लगते हैं कि मैं तो गुजरात चला गया, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि मैं राजस्थान से दूर नहीं हूँ, मैं राजस्थान की सेवा में कभी कोई कसर नहीं रखूंगा, मरते दम तक मैं राजस्थान की सेवा करूंगा। जब चेहरा सामने 10 साल रहा है पब्लिक के सामने, तो अब उसके बाद में चेहरा सामने क्या हुए, मतलब नीतीश रूप में लाए सर, जो आपके मीडिया में है लोग, मतलब आप जानते हो वो चेहरा सामने लाते मुख्यमंत्री महोदय का, जो जिस रूप में हालात चल रहे हैं। और बाकी मैं खुद कह चुका हूँ कि मैं चाहे दिल्ली में हूँ, चाहे मैं पंजाब में काम मैंने किया, चाहे मैंने गुजरात में किया, चाहे मैं कर्नाटक में गया हूँ, तब भी लोगों ने कोई अफवाह चलाई कि अशोक गहलोत तो अब चले गए हैं, गुजरात चले गए हैं या और कहीं चले गए हैं, अब दिल्ली में बैठ गए जाकर हेडक्वार्टर में। मैंने उसी दिन स्टेटमेंट दिया जोधपुर से कि मैं थासू दूर नहीं, मैं आपसे दूर नहीं हूँ। आज मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं राजस्थान की जनता से दूर नहीं हूँ, नंबर एक। अंतिम सांस तक मैं कहीं रहूँ पर सेवा राजस्थान के लोगों का। अनौपचारिक रूप से सर, राजस्थान की जो जनता है वो कांग्रेस में, यानी कि आपका चेहरा निहारती रही भावी मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस की ओर? देखिए, जनता खलक की आवाज खुदा की आवाज होती है, समझ गया? मैं आपसे दूर नहीं, जनता की आवाज आप ही बनेंगे क्या? खलक की आवाज खुदा की आवाज होती है, खलक की आवाज खुदा की आवाज होती है। सचिन जी आपके कितने नजदीक? बहुत, मेरे तो बहुत प्रिय हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं। वो जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में जा रहे तब मैंने तो उनकी सिफारिश मैंने की थी, तो मैं तो नई पीढ़ी आ रही थी आगे। मैं उन लोगों हूँ जो हमेशा सही बात करता हूँ दिल्ली के अंदर, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। चाहे सचिन पायलट हो, चाहे वो सीपी जोशी जी हो, चाहे कोई भी हो, मैंने हमेशा जो जिसमें मैंने उचित समझा उनके लिए हमेशा पैरवी मैंने करी। देखो जागरूक, बनो जागरूक।